हेलो एंड वेलकम है दोस्तों, आप सब लोगों का टेक मेंबर एक बार फिर से। तो दोस्तों, जब से मैंने मैकबुक प्रो लिया है, मेरी सबसे बड़ी मुसीबत है कि इसके अंदर सिर्फ दो ही टाइप सी के पोर्ट मिलते हैं और एक ऑडियो का पोर्ट मिलता है। तो मैं कोई भी पेन ड्राइव, कोई भी मेमोरी कार्ड वगैरह इसके अंदर यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। ये सबसे बड़ी मुसीबत मेरे लिए बन चुकी है। अब आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है, सिर्फ दो पोर्ट एक ऑडियो जैक मिलता है। इसलिए मैंने ऑर्डर किया है इकासा का ET4। ये एक टाइप सी USB हब है दोस्तों, जो 5 पोर्ट के साथ आता है। तो ये मेरी हेल्प करेगा पेन ड्राइव वगैरह लगाने में, कार्ड लगाने में। तो ये मुसीबत झेलनी पड़ती है अगर आपके पास मैकबुक प्रो है नया वाला, तो इस तरह की चीज़ें लेके घूमना पड़ता है। तो खैर, मैंने भी ये परचेज़ किया है। इसकी कीमत है 2,299 रुपये दोस्तों। इकासा कंपनी का है, ET4 इसका मॉडल नंबर है, टाइप सी हब है। वो 5 जो है फीचर के अंदर मिलते हैं और टाइप सी आप देख लीजिए, डब्बा वगैरह इस तरह का यहाँ पर लिखा गया है, इकासा की ब्रांडिंग है। चलिए ओपन करते हैं, यहाँ पर निकालते हैं इसको बाहर। तो यहाँ पर ये आ गया है, साथ में हमें कुछ बुकलेट मिल जाती है, तो आप पढ़ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई हैं। हालांकि इसमें सिर्फ 5 ही पोर्ट मिलते हैं, हालांकि और भी ज़्यादा रैप्टर आते हैं जिसमें ज़्यादा पोर्ट मिलते हैं, पर मुझे 5 ही की जरूरत थी तो मैंने ये वाला ही ऑर्डर किया और थोड़ा सा सस्ता भी मिल गया। मुझे लग रहा है वैसे बेल्ट इसकी काफ़ी सॉलिड है, पूरा का पूरा एल्युमिनियम फ्रेम के अंदर आता है। इसकी अगर चौड़ाई की बात करूँ तो 1.5 इंच ये चौड़ा है, लंबाई की बात करूँ तो 4.4 इंच की लंबाई है। तार काफ़ी हैवी फील होती है, लगता तो नहीं कुछ होगा, पर टक टक की आवाज़ ना जाने क्यों आ रही है इसमें से। और यहाँ पर ये भी मेटल का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर टाइप सी पोर्ट में, और ये जो तार है ये भी थोड़ी स्ट्रॉन्ग फील हो रही है, पर फिर भी टक टक की आवाज़ अभी भी आ रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 5 पोर्ट मिलते हैं, 4 यहाँ पर है, एक हमें लैन के लिए मिल जाता है, 2 USB हैं, उसके अलावा हमें SD कार्ड स्लॉट मिल जाता है, माइक्रो SD कार्ड स्लॉट मिल जाता है। मुझे खैर SD कार्ड स्लॉट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, माइक्रो SD मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ, और इथरनेट पोर्ट मिल जाता है हमें, तो ये भी काफ़ी बढ़िया बात है। 1000 mAh इथरनेट पोर्ट इसमें दिया गया है और काफ़ी फ्लेक्सीबल है, तो मुझे लगता नहीं है कि किसी तरह की दिक्कत आएगी। चलिए जल्दी से आप इसको लगा के देखते हैं अपने लैपटॉप में ये किस तरह से यूज़ करना है। तो इस तरीके से आप किसी भी पोर्ट में इसको लगा सकते हैं, दोनों में से किसी में भी लगाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा पुश करना पड़ता है अंदर को आपको, और थोड़ा सा मुझे लग तो रहा है कि हल्का सा हिलता है, पर ये निकलेगा नहीं बिल्कुल, टक की आवाज़ करके ये अंदर ठीक से लग जाता है और पुश हो जाता है। और यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया है, और इस तरीके से अब हम अपनी पेन ड्राइव और कार्ड जो है वो इस्तेमाल कर पाएंगे यहाँ पर। दोस्तों, एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी लेंथ थोड़ी सी केबल की लंबी है, मतलब इतनी ज़्यादा लंबी तो नहीं है, पर हालांकि इस तरह के भी डबल जॉइंट वाले अडेप्टर आते हैं जो कि काफ़ी फेमस हैं। और दोस्तों, पर वो मैं कहूँगा कि रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि वो क्या है ना, साथ में चिपक के आपके जैक को ढीला कर सकते हैं, पर ये ज़्यादा अच्छा है कि थोड़ी सी तार आपको लंबी मिल जाती है और आप इजीली इसको जो है यूज़ कर पाते हैं। थोड़ा लेके साथ में घूमना पड़ता है, बस वही प्रॉब्लम है, कलर थोड़ा सा डिफरेंट है लैपटॉप का। चलिए जल्दी से मैं यहाँ पे अपना कार्ड लगा देता हूँ, सैंडिस का 64 GB वाला ये कार्ड है दोस्तों, और यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया है, और ये यहाँ पे फटाफट आ गया है, कोई भी देर नहीं की इसने। और यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फाइल है कुछ, इसको हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 GB के आसपास का डाटा है, और ये 2 मिनट ले रहा है उसको ट्रांसफ़र करने में। पर मुझे लगता है कि मेरा मैकबुक एयर थोड़ा ज़्यादा जल्दी करता है, ऐसा मुझे लग रहा है, पर मैं वो भी यहाँ पर आपको ट्राई करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे 2 मिनट के अंदर ही ये हमारी हो गई है ट्रांसफ़र। अब ये मेरा मैकबुक एयर है, तो इसके अंदर भी आपको अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पे ऑलरेडी इसके अंदर है। तो यहाँ पे मैंने कार्ड को यहाँ पर लगा दिया है, और चलिए देखते हैं ओपन करके इसको, सेम फाइल है, मैं इसको यहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, और मैं आपको दिखाता हूँ कि अडैप्टर से किस तरह का फ़र्क आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन 1 मिनट से भी कम समय इसने लिया है इस फाइल को ट्रांसफ़र करने में, तो बिल्कुल आधे आधे का फ़र्क यहाँ पर आ गया। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जब मैंने सोनी का अपना कार्ड यूज़ किया, तो उसके अंदर क्या था कि मेरा मैकबुक एयर तो बहुत फास्टली तरीके से करता था, पर इसने 6 GB की फाइल को 11 मिनट ले लिए ट्रांसफ़र करने में। अब खैर, कंपनी तो खैर ये कहती है कि तकरीबन 5 GBPS की स्पीड इसकी आती है, पर ऐसा खैर मुझे कोई इतना खास लग नहीं रहा। पर ये थोड़ी चीज़ें तो सहनी पड़ती हैं, जब आपने मैकबुक प्रो लिया है तो ये सारी मुसीबतें रहती हैं। हालाँकि एक और फेमस ड्राइव है जिसका नाम है हाइपर ड्राइव, तो ज़्यादातर लोग वो यूज़ करते हैं, तो खैर आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। वो थोड़ा सा महंगा है, 7,000-8,000 रुपये के आसपास आता है, और ये बेचारा सिर्फ 2,200 रुपये में है, तो खैर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, झेलनी पड़ेंगी। खैर, उसके अलावा अगर आप ज़्यादा पोर्ट लेना चाहते हैं, इसके ऑल वेरिएंट भी हैं, तो आप चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो चाहें तो वहाँ से खरीद भी सकते हैं। तो खैर दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो इकासा के USB टाइप सी हब के बारे में। तो खैर दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो खैर दोस्तों, आज की वीडियो खैर यहीं तक थी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, इस तरह की और वीडियोज़ के लिए शेयर करें। और दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।